अमेरिका में पिछले दिनों एक कलाकार डेविड चांग ने कौन बनेगा करोड़पति यानी कि हु वांट टू बी मिलियनेयर गेम शो में हिस्सा लिया। इस गेम शो में जो आखिरी सवाल था 7 करोड़ का, उसका जवाब उन्होंने दिया जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ था। हालांकि खुद उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, इस जवाब के लिए उन्होंने अपने एक मित्र की मदद मांगी। उन्होंने सही जवाब दिया उनके मित्र ने और डेविड चांग पहले कलाकार बने जिन्होंने इतनी बड़ी रकम जीती। दरअसल डेविड चांग का आखिरी सवाल था जो कि 7 करोड़ का था, वो ये कि कौन से ऐसे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिन्होंने पहली बार बिजली देखी थी। हालांकि डेविड चांग तो इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उनके मित्र ने इस सवाल का जवाब दिया और वो ये गेम शो जीत गए। व्हाइट हाउस में लगभग 120 साल पहले बिजली आ गई थी, लेकिन उस दौर में बिजली लोगों के मन में एक उत्सुकता के साथ साथ एक डर का विषय भी थी। इसीलिए उस वक्त के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे और उनकी पत्नी दोनों ही बिजली के इस्तेमाल से डरा करते थे। क्या आप जानते हैं वो राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें बिजली के इस्तेमाल से डर लगता था? चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं व्हाइट हाउस के निर्माण की कहानी से। दरअसल व्हाइट हाउस के निर्माण की कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1792 से, जब वॉशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस बनने का काम शुरू हुआ और 1 नवंबर 1800 में बनकर ये तैयार हो गया। और इसी साल तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडम्स यहाँ रहने आए, तब से लेकर ये अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बना हुआ है। इसके करीब 100 साल बाद यानी कि 1900 में यहाँ पर बिजली आई, यानी कि व्हाइट हाउस में बिजली आई और बेंजामिन हैरिसन पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने बिजली देखी व्हाइट हाउस में। हैरिसन दंपत्ति, चूंकि उस वक्त बिजली नई थी तो हैरिसन दंपत्ति के मन में उत्सुकता भी थी बाकी लोगों की तरह, लेकिन साथ ही साथ एक डर एक खौफ भी था। डर इस कदर था कि बेंजामिन हैरिसन और उनकी पत्नी कभी बिजली की लाइट यानी कि स्विच ऑन या ऑफ भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके मन में एक डर था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है उन्हें एक तेज झटका लगे। हैरिसन दंपत्ति की डर की वजह से ही बिजली की स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए व्हाइट हाउस में बाकायदा स्टाफ की नियुक्ति की गई। अब हैरिसन के बाद एक और जो उनके बाद राष्ट्रपति आए, वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि बचत करने में माहिर थे। जी हाँ, उनका नाम इसीलिए मशहूर भी हुआ कि बाकायदा वो रोज रात में व्हाइट हाउस का चक्कर लगाया करते थे। वो खुद घूमकर देखा करते थे कि कहीं बिजली जली तो नहीं है, और अगर जिस किसी भी हिस्से में बिजली जली होती थी वहां जाकर वो खुद से स्विच ऑफ कर दिया करते थे। इस राष्ट्रपति का नाम है लिंडन बी जॉनसन। जॉनसन 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1969 तक पद पर बने रहे। बिजली बचत और पैसे को लेकर राष्ट्रपति जॉनसन इतने सजग रहते थे कि वो आगे चलकर लाइट बल्ब जॉनसन के नाम से पहचाने जाने लगे।